दोस्तों ये एक कैपेसिटर है जो हमारे घरों में यूजुअली यूज होता है। ये लगभग 4 माइक्रोफेरेड का है। माइक्रोफेरेड यानी कि इसमें जो स्टोर एनर्जी है उसके नापने का एक यूनिट होता है। जैसे हमारे घरों में चावल दाल नापने का एक केजी यूनिट है, उसी प्रकार इसमें स्टोर एनर्जी है उसको नापने के लिए माइक्रोफेरेड है। दरअसल फेरेड एक बहुत बड़ा यूनिट है, तो छोटा सा कंपोनेंट है, तो इसको माइक्रोफेरेड में मापा जाता है। तो आज के इस वीडियो में इसको हम पूरा खोलेंगे और इसमें देखेंगे कि इसमें कौन कौन से कंपोनेंट है जो एनर्जी को स्टोर कर रहे हैं। और दोस्तों ये लगभग 1 माइक्रोसेकेंड में 20 से 25 एम्पियर तक एनर्जी को रिलीज करता है। तो वही आज जानेंगे कि इसमें कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जो इतने भारी मात्रा में एनर्जी को स्टोर कर रही है। तो यह एक फुल्ली चार्ज है, आप देख पा रहे होंगे जैसे ही हम इसे बोर्ड में कनेक्ट करके 5 सेकंड तक सप्लाई देते हैं तो यह चार्ज हो जाता है। इसके बाद इसके दोनों वायर को आपस में टच करते हैं तो स्पार्क होता है और एनर्जी रिलीज हो जाती है। और यह कैपेसिटर जहां भी यूज होता है वहां ऐसे ही काम करता है, एनर्जी स्टोर करता है फिर रिलीज करता है, फिर स्टोर करता है फिर रिलीज करता है। चलिए अब इसे तोड़ते हैं और देखते हैं इसमें कौन कौन से पार्ट अवेलेबल है। दोस्तों इसकी बाहरी लेयर टूट चुकी है, इसके अंदर राउंड की हुई मेटल की एक फिल्म है जिसमें से 2 तार निकले हुए हैं। और इनको प्रोटेक्ट करने के लिए बाहर से पीला रबर प्लास्टिक इंसुलेशन मटेरियल को लगाया गया है ताकि मेटल का फिल्म जब हीट हो तो उसको हीट को यह एब्जॉर्ब करे, वरना कैपेसिटर डैमेज हो सकता है। दोस्तों यह राउंड की हुई जो चीज दिख रही है जिसमें से 2 वायर निकले हुए हैं, इनका नाम मेटलाइज्ड पॉलीप्रोपिलेन फिल्म है। इस पर एल्युमिनियम या जिंक की कोटिंग की गई है। दोस्तों इसको मेटलाइज्ड पॉलीप्रोपिलेन फिल्म इसलिए कहा जाता है क्योंकि पॉलीप्रोपिलेन एक प्लास्टिक होता है जिस पर मेटल की कोटिंग की जाती है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यह एक प्लास्टिक की फिल्म है जिस पर एल्युमिनियम की कोटिंग की गई है, यहाँ यही इस चार्ज को स्टोर करती है। दोस्तों इसमें 2 प्लास्टिक की फिल्म है जिस पर एल्युमिनियम की कोटिंग की गई है, एक एनोड कहा जाता है और दूसरे को कैथोड कहा जाता है, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव। दोस्तों रोल की हुई फिल्म को ऊपर शॉर्ट करके उसमें एक वायर सोल्डिंग किया गया है, फिर दूसरी फिल्म को नीचे शॉर्ट करके उसमें वायर सोल्डिंग किया गया। दोस्तों जब कैपेसिटर डिस्चार्ज रहता है तो दोनों प्लेटों पर इक्वल इलेक्ट्रॉन रहते हैं, लेकिन जैसे ही हम वायर में सप्लाई देते हैं तो दोनों प्लेटों में से एक पर पॉजिटिव चार्ज और दूसरे पर नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो जाता है और हमारा कैपेसिटर चार्ज हो जाता है। लेकिन जैसे ही हम कैपेसिटर के दोनों वायर को आपस में टच करते हैं तो दोनों प्लेटों पर इक्वल चार्ज इकट्ठा हो जाता है जिससे हमारा कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाता है, और इस प्रकार हमारा कैपेसिटर चार्ज और डिस्चार्ज होता रहता है।